गाइस गुड मॉर्निंग, आज का है डे 3 इन रामेश्वरम और अभी के हो गए हैं 8:53 AM। हम सब नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं, रेडी हो गए, थोड़ा देर हो गया उठने में, अपना लगेज वगैरह लेके गाड़ी की ओर जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे ब्रेकफास्ट एंड हम निकल जाएंगे आज आदियोगी मतलब ईशा फाउंडेशन कोयम्बतूर में। एक्चुअली हम जा रहे हैं बैंगलोर एंड ऑन द वे हम वहाँ विजिट करके जाएंगे और वहाँ से सूरज की फैमिली अलग होके दे विल गो टूवर्ड्स कुन्नूर, हम जाएंगे बैंगलोर क्योंकि कल ऑफिस है तो आज का ही छुट्टी ले रखा है। फैमिली हैव टू गो, इस होटल में रुके हैं, वहाँ से सी व्यू दिखता है, ये मैं आप लोगों को दिखाना भूल गया पिछले के एपिसोड में, तो ये देखिए सी व्यू, ये रहा, दिस इज द व्यू। अच्छा व्यू नहीं है, पूरा व्यू दिखाई नहीं देता, बट इट्स ओके, दिस इज बोल सकते हैं कि सी व्यू होटल रुके थे। जा रहे गाड़ी लेने पार्किंग में, थोड़ा दूर है पार्किंग होटल से, तो वरना हेल्प कर रहे हैं। हम आ चुके हैं अभी कार लेके और एक्चुअली क्या है ना, देयर इज अ बैरिकेड ओवर देयर, तो वहां से आपको कार ले जाना अलाउड नहीं है, तो वी केम हियर। अब वहां अपने होटल से सामान वहां तक लाएंगे, लोड करेंगे, यहां से यूटर्न मारेंगे, निकल लेंगे और बस यही रहा। चले भैया शायद कुछ अपडेट लेके आए हैं, वो रहा सूरज का गाड़ी, कुछ बोल रहे हैं। हाँ, सूरज को उतरना पड़ रहा है गर्मी में, मेरे को भी उतरना तो पड़ेगा ही। चलिए लोडिंग करके मिलते हैं। अभी हम निकल गए हैं रामेश्वरम से, हम जा रहे हैं आदियोगी अभी कोयम्बटूर। रामेश्वरम से कोयम्बटूर का डिस्टेंस है 430। ये रहा मेन मंदिर, जाते जाते आपको दर्शन भी करवा दिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोलो श्री अम्बे मात की जय। यहाँ हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, काफी बड़ा एक फूड कोर्ट है, द ग्रैंड दिल्ली फूड प्लाजा, बिल्कुल अब्दुल कलाम मेमोरियल आपको यहाँ से मैं दिखाती हूँ घूम करके। ये रहा 10:00 पे ओपन होता है, हम लोग जा नहीं पाए ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, बट बहुत अच्छा है, मैंने लास्ट टाइम विजिट किया है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बहुत अच्छा फील होगा, यू कैन कनेक्ट। अच्छा तो लग रहा है, काफ़ी सारे ऑप्शंस भी दिख रहा है यहाँ पे, सब कुछ मिल रहा है आपको। हो रही फैमिली पूरी बैठी हुई है, ग्रैंड फैमिली, तो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है क्या खाया जाए अंकल और पंकज का। ऑप्शन कम है लेकिन ऑप्शन है ज्यादा, सॉरी ट्रैवल कर रहे थे इतना। हाँ, लाइट लाइट खाना चाहिए, अल्टीमेटली घूम के इडली नहीं। रामेश्वरम जा रहा है ना, आ रहा है, नहीं जा रहा है उधर ही जा रहा है। हाँ जा रहा है। अभी हम मदुरई सिटी पहुंच गए हैं, अभी हम जा रहे हैं आदियोगी मतलब कोयम्बटूर वाला जो हाईवे है उसे कनेक्ट करेंगे। बहुत कंफ्यूजिंग है, मैप कुछ भी दिखाता, हम दो गाड़ियां डिफरेंट रूट दिखा रहे हैं, तो चलो फाइनली एक रूट हो गया। अभी यहाँ से दिखा रहा है 247 किलोमीटर्स, 5 hours 20 minutes का दिखा रहा है, बट हम लोग देखते हैं कितने टाइम में कवर कर पाते हैं। क्या कर रहा है पता नहीं, फिर से वही रास्ता ले आया पता नहीं भाई, देखिए हमें कहाँ घुसा दिया। हाँ। और निकाल रहे हैं, घुसे भी तो कहाँ, और हे भगवान मार्गदर्शन दे हमें। नेक्स्ट राइड अब कौन सा है, यहाँ रोड बहुत ही खराब है, हर जगह कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है। किधर है ये, मदुरई सिटी के अंदर ही है। तो अभी हमने हाईवे कनेक्ट कर लिया है कोयम्बटूर वाला, आप देख ही सकते हो ये रोड तो बहुत अच्छा है, वो सिटी का जो ट्रैफिक था उससे इधर निकल के बहुत अच्छा लग रहा है।
और पंकज कैसा फील हो रहा है? कैसा फील होगा? अच्छा फील हुआ, अच्छा एक्सपीरियंस था, जाना नहीं था फिर भी उधर ही ढकेल दिया, मतलब वही होगा रूड। भगवान चाहते हैं प्रैक्टिस करो। कोयम्बटूर जाना है या रामेश्वरम जाना है, मदुरई के बीच से जाना है। यहाँ से आदियोगी का डिस्टेंस है 243 किलोमीटर, 4 hours दिखा रहा है, बट हमें जल्दी कवर करना पड़ेगा। 4 hours 41 minutes. हाँ, almost 5 hours, so हमें जल्दी कवर करना है, तो hopefully हम नहीं तो कुछ व्यू मिस कर देंगे। हाँ, hopefully हम कवर कर लेंगे सनसेट से पहले। ये हाईवे देख के तो सही लग रहा है, तो देखते हैं। हेलो, सुनी नहीं बेच जाती इग्नोर कीजिए। तो कैसा जा रहा है अभी तक? बहुत ही अच्छा जा रहा है। अभी नारियल पानी ब्रेक है हमारा। हाँ, आई होप हम लोग पहुंच जाएंगे सनसेट से पहले। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट सनसेट से पहले पहुंचना, अदरवाइज पिक्चर्स अच्छी नहीं आएंगी। करेक्ट करेक्ट। वी हैव टू ड्राइव रियली फास्ट। यस यस यस, वी आर फॉलोइंग, आई एम फॉलोइंग। हम लोग ईशा फाउंडेशन पहुंचने ही वाले हैं। 4 किलोमीटर है बस, 8 मिनट्स दिखा रहा है। बहुत ही पतली पतली रोड है यहाँ की, बहुत टाइम लग गया, पता नहीं कैसा मिलेगा। बहुत लेट हो चुका है, 6:17 हो चुका है अभी का टाइम। तो फाइनली हम लोग ईशा फाउंडेशन पहुंच गए। सामने आप देख सकते हो उसका पोस्टर है, शायद पार्किंग एरिया है। अंदर इसका एंट्रेंस, आई डोंट नो, कोई है नहीं। हाँ, एंट्रेंस ही है इधर से। क्या अच्छा व्यू है यहाँ का। पीछे जो गेट था वो एंट्रेंस था। पार्किंग लेना पड़ता है। How much Anna? 30. यहाँ पे पार्किंग 30 रुपीस है, सो हमारे दो कार्स से 60. ये पूरा इसका पार्किंग एरिया है, ये इसका पूरा पार्किंग एरिया है, बहुत बड़ा है। और सामने आपको शिव जी का स्टैचू दिख ही रहा होगा। ये यहाँ पे पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। आई डोंट नो आपको आवाज़ कितना आ रहा है, बहुत तेज हवा है यहाँ पे। पीछे का व्यू देखिए, पूरा पहाड़ी पहाड़ है यहाँ पे, और छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं। हम धीरे धीरे पास पहुंच रहे हैं, तो और अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है, माइंड को इतनी शांति मिल रही है। नहीं आ रहा है।
हम ऑलमोस्ट पास आ चुके हैं. दिस इज़ द बेस्ट व्यू आई कैन गिव यू गाइस. ज़्यादा पास जाएगा तो पूरा कवरेज नहीं होगा, तो मैं बस यहाँ से ले रही हूँ. फाइनली आ गए, सनसेट देख नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली. दुख है, दुख बट सुख मिला ये देख के. क्या कर सकते हो, देर से निकले, इसका भुगतान किया. लेट्स होप नेक्स्ट टाइम थोड़ा जल्दी निकलेंगे. गाड़ी तो चलाया था, भगाया था गाड़ी को, बट फिर भी इतना देर तक ठीक है. सनसेट देख नहीं पाए ओके, बट जगह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जगह, है ना. अच्छा, पूरा माउंटेन्स से घिरा हुआ है, देख लीजिए. ये देखिए पूरा माउंटेन्स में, माउंटेन से घिरा हुआ है शिव जी का स्टैचू. आरियो का स्टैचू, इतना प्यारा लग रहा है. सो विंडी ईयर. अभी लेजर शो होने वाला है, हम सबको भगा दिया वहाँ से यहाँ, तो बिठाया हुआ है यहाँ पे, तो स्टैच्यू के आगे खड़े हैं. अभी दे आर डूइंग सम अनाउंसमेंट्स, थके हुए तो बहुत है लेकिन अच्छा लग रहा है लेजर शो देखने के लिए. दिखाते हैं योगी से. ज़्यादा वक्त यहाँ इतनी बारिश हो रही है, देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. तो हम एकदम मिनिमम स्पीड पे चल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं. 55-60 के स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है. अभी हम सेलम पहुँचे हुए हैं. And this is the first बारिश. And this is the first rain. मतलब हमने जब से कार खरीदा था तब से कभी रेन नहीं हुआ, तो बोल सकते हो ये हमारा बेबी ही बात चल रहा है, हमारे कार का फर्स्ट बात. गाइस अब हम पहुंच चुके हैं, एंटर कर चुके हैं ऑफिशियली कर्नाटका में. इट्स 3:09 AM. स्टार्ट किया था आदियोगी सेंटर से एट अराउंड 9:15 एंड वहाँ से कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहे हैं, कंटिन्यू ड्राइव. 385 था वहाँ से, 385 किलोमीटर्स था आदियोगी से FTLR होम बैंगलोर. बीच में 15 मिनट्स का ब्रेक लिया था, दैट्स ऑल. उसके बाद कंटिन्यू ड्राइव किए जा रहे हैं. And बारिश हुई बीच में, that's where our speed got reduced. बारिश में around 1 hour का बारिश था, तो उस बारिश में we could not clock more than 60 km/h. तो वहाँ पर थोड़ा delay हो गया, but थोड़ा exhaust हो चुका हूँ. Morning 9 से continue drive कर रहा हूँ, although आदि योगी center में 2.5 hours का हॉल्ट था, तो इट्स ऑलमोस्ट 18 hours ऑफ ड्राइव. बट मज़ा आया, अच्छा लगा बीच में बारिश में ड्राइव करने में. पहली बार इस कार में बारिश में ड्राइव किया, तो इट वॉज गुड. सो सिंस वी हैव एंटर्ड कर्नाटका नाउ, कुछ देर में घर पहुँच जाएंगे. घर आर होम इज 27 kilometers अवे फ्रॉम हियर, शोइंग 3:43 को अराइवल, 33 minutes मोर. तो इस वीडियो को अब हम यही एंड करते हैं. वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और अपने
किसी ने अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आगे का जितना भी ट्रिप्स करेंगे वो सारे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, करने में हमें अच्छा लगता है। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, एंड हमारा रामेश्वरम कोयम्बटूर का ट्रिप यहीं एंड होता है इसी के साथ। सो सी यू इन द नेक्स्ट ट्रिप, नेक्स्ट एपिसोड विद अ फ्रेश न्यू डेस्टिनेशन। टिल देन गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।